अस्सलाम वालेकुम हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सो, उम्मीद अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम सुपर डुपर रेडी। और आज जो है ना गाइस, मैंने सेम स्कार्फ लिया है। काफ़ी लोगों को ये स्कार्फ का कलर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अभी जो है ना, ये वाला स्कार्फ मैंने कुछ नए स्टाइल से पहना है। मैंने ना इसका ट्यूटोरियल देखा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसका मटेरियल क्या है। तो इसका मटेरियल जर्सी है, और जो है ना ये मैंने पीछे से ऐसे करके पिन कर दिया है, फिर ये वाला पार्ट ऐसे छुपा के और ये वाला पार्ट ऐसे रख दिया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो आपको कमेंट से बताना है कि जो लास्ट टाइम स्कार्फ पहना था पूरा ऐसे बंद करके पीछे करना, वो अच्छा था कि ये वाला अच्छा है। ये मैंने देखा काफ़ी अरब लोग ना काफ़ी ये करते हैं, अरब या फिर फॉरेनर्स। तो एनीवेज, चलो आज जो है मैं सुपर सुपर एक्साइटिंग वाली वीडियो जो है ना वो लेके आई हूँ। आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये जो है ना हमारा है राइस कुकर। किस किस को याद है ये कब लिया था मैंने? ट्रैवल के लिए लिया था, फिर मुझे क्यूट लगा था इसलिए लिया था। तो ये वाला ना काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा इसको मैं कब यूज़ करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे ना एक व्लॉग शूट करती हूँ और कुछ नया भी हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या बनाते हैं। तो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स पीछे खाना पीना लेके आई हूँ। और आप लोगों को तो पता है कि वी डोंट हैव किचन इन आवर फ्लोर। तो हमारे फ्लोर में कोई भी किचन नहीं है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में नीचे जाना पड़ता है किचन में, कुछ भी काम होता है या फिर कभी खाने पीने का दिल करता है तो नीचे जाती हूँ किचन में। तो ऊपर नीचे काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हमारा खुद का छोटा सा किचन बनाते हैं इस रूम के अंदर। तो जो जो लोग मतलब अकेले भी रहते हैं ना, तो वो लोग भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि रूम के अंदर ही आप लोग अपनी चीज़ें कैसे बना के खा सकते हो। और फास्ट एंड फ्यूरियस वाली चीज़ें बनाऊंगी मैं, जो कि ना मतलब झटपट वाला रेडी हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले हमें कैमरा एंगल सेट करना होगा और देखना होगा कहाँ पे हम बैठेंगे। सो लेट्स गो। तो गाइज, ये छोटी सी चुनी मुनी टेबल लेके आई हूँ, सोच रही हूँ इसके ऊपर रख के बनाऊँ। और मेरे पास ना ये वाला शेल्फ जो है ना ये पूरा खाली है ना, तो ये जो नमाज की जाय नमाज और दुपट्टा है ये जस्ट हटा देंगे और यहाँ पे हमें प्रॉपर एक जगह मिल जाएगी कुकिंग के लिए। और बाकी जो है वो देख सकते हो स्टैंड कहाँ पर रखा है मैंने स्टैंड। वो स्टैंड जो है ना आर्यन हाथ डालता है इसलिए रख दिया। अभी मैं क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो गाइज, चलो हमारा पुराना सा जो राइस कुकर है उसको अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं। आज अभी तुम्हें थोड़ा सा यूज़ करें, तुम तो इतने टाइम से डस्टी हो गए हो। तो ये रहा, इसको हटा देते हैं इधर। एंड ये है साइज, तो इसकी साइज इतनी है कि जो एक पर्सन है ना बस वही खा सकता है, दो नहीं खा सकते। इधर शेयरिंग नहीं हो सकता, ये इधर आपको अपने बारे में सिर्फ सोचना पड़ेगा, अपने लिए सिर्फ बनाओ। तो इधर यार बस प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो अपने लिए बनाओ या तो फिर एक पर्सन के लिए बना के दो लोग शेयर करो, प्यार बढ़ाओ। तो इसका ये ढक्कन। अच्छा, इस राइस कुकर में एक प्रॉब्लम है, ये राइस कुकर जो है ना थोड़ा सा चीज़ें चिपक जाती हैं। तो जो मैं रेसिपी सोच रही हूँ ना चिकन राइस की, वो चिपक ना जाए, ये भी मुझे काफ़ी डर है। तो चलो एनीवेज, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। एंड दिस इज़ आवर क्यूटी राइस कुकर। ठीक है, तो इधर तीन वाला लगेगा मुझे। ओके, यहाँ पर तीन वाला है, डन, लगा देते हैं। और इसको कैसे सेट करें भाई? सबसे पहले राइस कुकर को आई थिंक फ्लोर में रखना सेफ होगा। लेट्स सी। डन, सेट हो गया, राइस कुकर जो है वो ऑन हो रहा है। अभी जो है गाइस, बैठने का बड़ा इशू हो रहा है कैमरा एंगल की वजह से, आई थिंक इट्स ठीक है। अभी जो है ना गाइस, इसको हटाएं, भागो। अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ओके, ओनेक हैवी, बहुत हैवी है। तो गाइस, सबसे पहले तो है राइस, जो कि मैं धो के पूरे लेके आई हूँ। ठीक है, ये है राइस। और राइस जो है मैं इतना अमाउंट लेके आई हूँ कि वन पर्सन का हो जाए, वन कप की तरह। और आजकल इमोन जो है वो भी यूनिवर्सिटी जाता है, उसके अपने कुछ काम हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम से इमोन घर भी नहीं रहता। तो इसलिए जो है ना मैं ये खाना जो है अपने लिए बना रही हूँ अभी। और आज तो इमोन है, लेकिन बहुत टाइम होता है इमोन नहीं होता, तो उस टाइम मैं क्या करूँगी अपने रूम में आके कभी ना कभी दिल करे कुछ ना कुछ तो खा लूँगी। तो इसलिए ना मतलब आपको कभी कभी दिल करता है कुछ खाने का, तो आप ऐसे पका सकते हो, नीचे भी पका सकती हो, लेकिन नीचे आना जाना बहुत हो जाता है। तो ये बस कुछ रेसिपीज़ हैं जो कि आप अपने रूम में भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैंने आज ये सोचा है मैं ट्राई करती हूँ कुछ नया।
और उसके बाद मैंने चिकन जो है ना बोनलेस लिया है दो पीस। उसके बाद कुछ पानी लेके आई हूँ, बॉयल वाटर। और उसके बाद जो है हमने लिया है यहाँ पे गार्लिक पाउडर, और ये है गाइस जिंजर पाउडर, सॉल्ट और ऑलिव ऑयल एंड ऑयस्टर सॉस एंड सोया सॉस, दिस इट, क्यूकम्बर लास्ट में, और बस इतना कुछ। तो चलो लेट्स सी क्या बनता है आज। तो गाइस मैंने एंगल जो है ना कुछ इस तरीके की सेट कर ली है ताकि आप लोगों को रेसिपी जो है ना वो प्रॉपर दिखे, ठीक है। और अभी जो है ना हम लोग इसकी ट्रे जो है खाने की वो भी इधर आसपास ही रख देते हैं ताकि मुझे उठाने में जो है ना इजी लगे। तो सबसे पहले इसको धो लेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो ये धुले हुए राइस है ना ये वाले, ये सारे जो है इसमें डाल देंगे। तो ये रहा, अच्छे से डालना है, सारे डालने। राइस को मैंने पहले से ही धो लिया, बाद में भी धो सकते थे लेकिन अभी जो है ना जल्दी जल्दी बन जाएगा इसलिए मैंने पहले ही धो लिया। राइस तो इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। ये राइस हमारे हो गए रेडी। तो गाइस राइस जो है ना रेडी हो चुका है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले चिकन जो है ना उसको रेडी करना है। तो चिकन के लिए हमें चाहिए ये दो चिकन के पीसेस, जो कि मैं चिकन इसमें ही रेडी करूँगा, इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको हटा दो, जा, हम चिकन इसमें ही रेडी करते हैं। गाइस चिकन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना सोया सॉस डालेंगे इसमें। क्या क्या डालती हूँ देखो, हिसाब से डालूँगी सोया सॉस, थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है सोया सॉस डालने से। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, खुल जाओ, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और उसके बाद हम इसमें गाइस डालेंगे ऑयस्टर सॉस, खुल जाओ, ये डालेंगे ऑयस्टर सॉस, ये थोड़ा ज़्यादा क्योंकि राइस में जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। और गाइस इसके बाद हमें जाएगा इसमें जिंजर पाउडर, ओके, जिंजर पाउडर। पाउडर तो पूरी बारिश ही कर रहा है, और इट लुक्स डिलीशियस, जिंजर पाउडर से खुशबू आ रही है बड़ी जिंजर की। और इसके बाद जाएगा गाइस गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इससे बहुत मज़ा आने वाला है, इतना इतना अमाउंट, ठीक है। एंड उसके बाद जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, ओके, डन 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 डन। अभी जो है इसको मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, अभी से ही जूसी जूसी दिख रहा है ना, मज़ेदार। चिकन जो है वो मैंने बोनलेस लिया है, ठीक है, बोनलेस चिकन विथ ऑल द सॉसेस। ये हमारा जो चीज़ है ना वो मिक्सचर रेडी चुका है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल राइस में जो है हमें पानी डालना है, इसको खोलें। राइस में मतलब जितना पानी आप डालते हो ना उतना ही डालना पड़ेगा पानी, ओवर नहीं। आई थिंक इतने में हो जाएगा राइस हमारा। और अभी जो है हमें ये चिकन का जो ये मिक्सचर है ना, ये सॉस ये राइस में डाल देना है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, मज़ेदार चिकन ऐसे रखेंगे इधर, फिर ये मज़ेदार चिकन इधर रखेंगे, और फिर ये पूरी जो सॉस है ये पानी में डाल देंगे। चली जाओ, सारी चली जाओ, पानी भी चली गई सारी सॉस। और अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, हल्का सा, चिकन को नहीं लेकिन सॉस एंड पानी के साइड को, ठीक है, ऑल सेट। यार मेरा दिल कर रहा है इसको ना मैं ज़ाया ना करूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग इसको भी डाल देते हैं, ओके। तो गाइस दिस इज ऑल सेट, ये हमारा जो है ना चिकन एंड राइस सब रेडी हो चुका है, तो ऑल सेट। अभी जो है ना ओवन को, राइस कुकर को बस ऐसे कुछ नहीं करना, इसमें डाल दो आप, इसको लगा दो ढक्कन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, और फिर इसको बटन ऑन कर दो एंड वेट फॉर
15 to 20 minutes and after that your food is ready. बहुत जल्दी जल्दी जो है ना ये खाना रेडी होने वाला है एंड सुपर एक्साइटेड. अभी जो है अभी मैं कुछ और प्रिपरेशंस भी करके आई हूँ हम लोग उसके लिए. जब डिश आउट करेंगे तो कुछ अच्छा अच्छा भी दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं क्यूकम्बर लेके आई हूँ. अभी घर पे क्यूकम्बर था तो वो जो है ना हम लोग कट कर लेते हैं, हाथ से कट करो. पिलर भी नहीं लेके आया यार, मुझे लगता है इधर अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना सेट करके रखनी चाहिए ताकि जो है अगर मैं कुछ और डिश बनाऊँ कभी तो मेरे पास ना सब कुछ हो. अभी मुझे ऐसे पुराने स्टाइल में जैसे अम्मी करते हैं ना, अम्मी भी हाँ अम्मी तो मेरी अम्मी इसे हाथ से करते हैं यार. मेरी अम्मी इतनी एक्सपर्ट है कि कटिंग बोर्ड यूज़ ही नहीं करते, हर चीज़ जो है इसे हाथ से करके रख देते. तो अभी जो है अम्मी के स्टाइल में मैं जो है ये क्यूकम्बर काटती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. और फिर हम लोग ये इमोन से रिव्यू कराएंगे कि टेस्ट करो कैसा है. तो आप लोगों को कमेंट से बताना है कि और भी कौन सी नेक्स्ट डिश कभी ट्राई करूँ. आइडियाज़ दो क्या क्या राइस कुकर में बन सकता है यार. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, आप लोग को अब एक चीज़ है जो मैं यूज़ नहीं करती और अभी किसी तरीके से अगर यूज़ कर पाऊँ सो पता नहीं सादिया क्या पकाएगा मेरे रूम में. देखो खुद ही खा रहा है. क्या जो खा रहा है वो तुम भी खाओ. मैंने क्यूकम्बर बनाया है. बना लीजिए. देखो इधर आओ जाओ देखो. देख कुछ भी नहीं अंदर, ऐसे पानी है. पता नहीं सूप बना रहा है कोई. मैंने अभी अभी तो रखा है, तुम इतने जल्दी आ गए. मैं तुम्हें बोलता ना तुम्हें बुलाऊंगी. आरिंग तो सुलाओ. आरिंग अभी शुरू किया नहीं, बहुत देर से. डिश के बारे में कुछ बात तो करो कि ये कर लिया बात क्या पका रहे हो. हाँ डिश पूरा रेसिपी दिया तो. इतना अच्छा अच्छा रेसिपी दिया गाइस. अभी जो है ना इमान तुम टेस्ट करके बोलना. अभी तुम मेरी डिश के बारे में टेस्ट कर. मेरा एग्जाम है अभी, मैं खा के फिर फंस ना जाओ. एग्जाम दो कि बाथरूम में जाओ. इसके लिए दुआ करना, इसका कल एग्जाम है. अच्छा परसों तुम्हारी टी शर्ट है ये देखो. ये इमान का टी शर्ट है. पता ही नहीं चलते कभी ये भी पहनते सदिया. उसके लिए हमारे गाँव से स्पेशली मैंगोज आए हुए ना, तो वो माँ डेली आर्यन को थोड़ा थोड़ा निकाल के देते है. फिर वो अभी मैंगो का सीजन तो चला गया लेकिन आर्यन मैंगो भी जी रहा है. और उस जब छोटा था ना उसको मैंगो पसंद ही नहीं था. अभी जो ये हॉस्पिटल वाला सीन होने के बाद ऐसा हुआ कि वो अभी पानी पीते हैं या जूस पीते, अभी दूध नहीं पीते. हाँ क्योंकि लास्ट टाइम दूध ज्यादा पिलाती थी, मुझे पता ही नहीं था दूध इतना नहीं देना चाहिए बच्चों को. फिर डॉक्टर ने भी मना किया. डॉक्टर ने बोला कि दूध जो है ना अभी उसके लिए जो महंगा दूध लेके आया ना फुल क्रीम, वो हम चाय पीते यार. हम लोग उसके लिए इतने सारे दूध लेके आ गए अभी. कम से कम कितना 10 किलो तक होगा, 7-8 किलो तक तो दूध होगा. फुल क्रीम मिल के हम चाय पीते. चाय पीते भाई. इमोन ये छोटा सा एक किचन इधर सेट करेंगे रूम में. फिर एक छोटा सा कॉफी कॉर्नर. कपड़ों से पूरा स्मेल आएगा, सब कुछ से स्मेल आएगा. इस रूम में तो कोई कपड़े नहीं है ना. फिर भी बेड से पिलो से स्मेल आएगा. ऐसा रूम में अच्छा सही नहीं है. जब मैं कोरिया में था कुकिंग करता था रूम में, फिर क्लास में लड़का बोलते थे यू स्मेल लाइक करी. भले हम लोग बड़े कड़ी स्मेल करें लेकिन ये जो है ना इधर ऐसे भी होता है कि रूम में आप कुकिंग करो फिर उधर बैठ बैठ के ही खाओ. ये भी होती है चीजें. बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है सदिया. क्या आ रहा है. चलो रेडी हो गया. अभी मैं तुम्हें बहुत मजेदार सी ना प्लेट एक रेडी करके देती हूँ. ओके देखना मैं इसके लिए नाइफ भी लेके आई हूँ. ये कौन सी कंट्री का डिश है ये तो बताओ फिर पता तो चले क्या खा रहा हूँ. ये इंटरनेशनल डिश है. नाम क्या है डिश का. इस डिश का नाम है चिकन राइस. ये तो है देसी मुर्गी वाले चावल. मुर्गी वाला चावल भाई. ओह ऐसा नहीं दिख रहा है जैसे वीडियो में दिखा था. वीडियो में बहुत खूबसूरत दिख रहा था. नॉर्मल दिख रहा है बहुत. क्या कर दिया. देखो गाइस मतलब मेरे लिए बनाया है.
तो अभी जो है इसको ना हम लोग ये तो पुलाव तो नहीं बना दिया सिंधी सिंधी पुलाव नहीं तो क्या हो गया पागल हो गया लड़का इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि लड़का पागल हो गया हमारा ये अभी से नहीं ऐसे नहीं यार अरे, अरे, अरे। मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत स्टाइल में देने वाली हूँ ये क्या बीच से खा रहे हो ऐसे नहीं चलेगा ना खुशबू कैसी आ रही है वो तो बताओ एक्सप्रेस जो चीज है ना यार ऐसे भी खराब नहीं हुआ इमान बस नहीं बस खराब अजीब वैसा इसलिए नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा क्योंकि उन लोगों का राइस को डिफरेंट है राइस कुकर की वजह से ये तो वो है एक्सक्यूज है लेकिन कुछ तो बना है ना कुछ तो बना है अभी जो ऐसे करके उसके बाद अभी थोड़ा ऐसे करना है थोड़ा ऐसे ऐसे करना है अभी क्या करना है अभी मुझे कुछ चाहिए तो क्या ये चाहिए ये थोड़ा साइड में करो थोड़ा स्पेस गाइस वी हैव नॉट इनफ स्पेस अभी चिकन जो है ना उसको अच्छे से काटना है फिर काट के डालते नहीं मैं तुम्हें दिखाती हूँ ऐसे गरम है यार क्या करें ये बोलो अभी इसको ना ऐसे करके ऐसे अच्छे से काटना है कच्चा तो नहीं कच्चा तो नहीं हो सकते गाइस चिकन का जो ये तो आप काट के भी डाल सकते थे मुझे लगता है ये रेसिपी में ऐसे था ना कि इतना नरम हो जाता है कि वो ऐसे ऐसे करके फिर वो जो फॉलो किया वो बेकार रेसिपी होगा उसका नहीं नहीं आई थिंक मेरे राइस कुकर का प्रॉब्लम है इमान राइस कुकर में कैसे सारे राइस कुकर का फंक्शन देख जैसा होता है फिर इसको ऐसे रखना पड़ेगा ऐसे रखना पड़ेगा जो मैंने वीडियो देखी थी ना उसमें बहुत ही सॉफ्ट होता है चिकन फिर बहुत अच्छे से स्लाइस 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 कट हो जाता है मतलब ऐसा था लेकिन अभी जो है ना ऐसा आया नहीं तो चिकन कच्चा तो नहीं दिख रहा चिकन तो कुक्ड है आई थिंक मुझे ना हाथ यूज करना पड़ेगा इसलिए नहीं हो रहा गरम गरम है ना इसलिए कटिंग बोर्ड होता ना तो अच्छा होता ये कट गया ये देखो अरे मुझे प्रॉपर कटिंग बोर्ड चाहिए था अभी जो है इसको ऐसे करके ऐसे इमोन तो मुझे ऐसे ऐसे देख रहे हो ना मैं बहुत ही और ऊपर क्या जाएगा वैसे और गाइस उसके बाद जाएगा ये कुकुम्बर डेकोरेशन के लिए ऐसे देखते नहीं हूँ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में थोड़े से डेकोरेशन में प्राइस हाई कर देते हैं दाल राइस और मुर्गी खिला कर ना मुर्गी चावल खिला लो खाओ तो गाइस एक कुकुम्बर खराब दिख रहा है इसको अच्छे से रखो And our chicken rice is ready. देखो जाके उधर देखो zoom में कैसा लग रहा है आप लोग बोलो देखने में जो लोग experts हैं बहुत ही tasty हो रहा है बहुत ही मजा चलो अभी जो है ना real review tararan even जो है बहुत अच्छी cooking करता है तो definitely बहुत अच्छे से ये भी चाहिए होगा ना chicken real review हाँ real vlog वाले भी review तो की real review तो real यार ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल का खाना है मिर्ची नहीं है इसलिए पता नहीं कुछ तो मिसिंग है अभी तुम्हें वो बोलना पड़ेगा ताकि अगर कोई ट्राई करे तो वो एक्स्ट्रा चीज भी डाले क्या डाल सकते हैं थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए था चिली पाउडर डालने से आई थिंक बहुत अच्छा यार फिर केचप होना चाहिए था कुछ तो हो जिसमें ये टेस्ट आए वापस आए ये केचप हो सकता था कोई चिली सॉस थोड़ा स्टाइस कुछ हो सकता था तुम थोड़ा सा सोया सोया सॉस में तो ये वो नमकीन हो जाएगा वो नहीं नहीं थोड़ा सा अब मिक्स करो सोया सॉस में तो नमकीन वो आएगा खट्टा खट्टा आई थिंक थोड़ा सा चिली पेस्ट होता ना अच्छा होता इसको अगर चिकन है तो आपको इधर केचप भी डालना पड़ेगा केचप भी डालना पड़ेगा फिर थोड़ा ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा ना इसके लिए ऑप्शन नहीं है या फिर कुछ छोटे छोटे सब्जी भी होता ना तो भी कुछ फ्लेवर आता और चिकन कैसा है चिकन तो कुछ क्या बॉयल्ड है चिकन कैसा होगा चिकन कुक्ड है कुक्ड है लेकिन बॉयल्ड है ऐसे लगता है बॉयल्ड चिकन ऐसे ही होगा इधर फ्राइड चिकन नहीं होगा ये मिक्स जब पुलाव खाते हो उसमें ऐसा फ्लेवर होता है ना खराब बात है कैसा ये मुझे तो यार खराब नहीं लगा हेल्दी खाना है और लेस ऑयल नमक कम है हाँ नमक कम है नमक की कमी की वजह से अजीब लग रहा है ना इसके साथ का मजा आएगा यार प्यार से खिला रही हूँ इसे छोटी छोटी चुनी चुनी का बाइट क्यों मार रहा है देख के छोड़ दे तो जैसे शेर को खिला रहे हैं आपका हाथ खा जाएगा बोला है तो
गाइस मुझे जो है ये डिश अच्छी लगी, लेकिन इमोन जो बोल रहा है कि इसमें केचप होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये सही बोला, कुछ नमक होना चाहिए था, केचप होना चाहिए था। केचप और नमक यार, मीठा केचप ना करो, स्पाइसी कुछ होना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था। केचप, नमक और मिर्ची, ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। प्याज भी होगा अच्छा लगता। ओह माय गॉड, गलत लोग से रिव्यू ले लिया। माँ को बुलाना चाहिए था मुझे, माँ तो बोलते हैं परफेक्ट हेल्दी। ना इधर प्याज नहीं दिया ना नहीं देना चाहिए था। लेकिन रेसिपी ये था ना यार, तुम मैं तो सब कुछ डालू, बिरयानी बना लू अपना एक्सपेरिमेंट, बिरयानी बना लू अंदर कुछ अपना क्रिएटिविटी डाल देते। अच्छा गाइस, इसी के साथ ही ये वाला जो ब्लॉग है आई थिंक बहुत बड़ा हो गया होगा इस रेसिपी के चक्कर में। और हाँ, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। पता नहीं कैसे बड़ा होता है। तो इसी के साथ ही आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इवन काफी इरिटेटिंग पर्सन है, बहुत ही गंदा रिव्यू दिया, मेरा तोड़ दिया मेरे। इतनी मेहनत से बनाया, इतने अच्छे से बनाया, एक इंसान ने थोड़ा सा झूठ बोल सकता था कि मजा आया। हेल्दी वाइज ही एक चीज बोल सकता है, झूठ बोलना मतलब एक ऐसा भी बोल सकता था कि थोड़ा सा हेल्दी लगा। हेल्दी है ना, नहीं बस नहीं, अभी ये तो मैं बोला, ये मैं बोला ना, ये मैं बोली हेल्दी है। तुम्हारे साथ उल्टे सीधे बात करती हूँ मैं, ये मैं बोली हेल्दी है। लेकिन अभी जो है ना, इमोन को पसंद नहीं आया, लेकिन आप देख रहे हो कुचड़ कुचड़ करके कैसे खा रहा है। अच्छा पका है, नहीं खा कैसे रहा है, खा मतलब इतना खराब लगा तो खाए। अच्छा पका है। चलो खुदा हाफिज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बोलना अगर नेक्स्ट राइस कुकर रेसिपीज क्या बना सकते हैं। बाय। No, 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하게 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같이